नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गोल्डन इंडिया की इस प्रेस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं आज के मुख्य समाचार की काम की बड़ी खबरें और इसी के साथ में जानेंगे आज का सोने और चांदी का ताजा भाव भी। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करने के साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए तो आज की पहली खबर है, पानी से सस्ता हुआ कच्चा तेल, आई 29 साल की सबसे बड़ी गिरावट। जी हां दोस्तों, दुनिया भर में थमती बिजनेस एक्टिविटी की वजह से घटी डिमांड और सऊदी अरब, ईरान, रूस के बीच में प्राइस वार के चलते कच्चे तेल की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली। बता दें कि पिछले हफ्ते क्रूड ऑयल की कीमत में 11% की गिरावट देखने को मिली है और इस गिरावट के बाद कच्चा तेल पानी से भी सस्ता हो चुका है। जी हां मित्रों, मौजूदा रेट के मुताबिक एक बैरल कच्चा तेल भारतीय रुपए यानी कि 2000 रुपए तक मिलता है और एक बैरल के अंदर 159 लीटर की क्षमता होती है। तो इस तरह से देखा जाए तो एक लीटर क्रूड ऑयल का दाम 13 रुपए प्रति लीटर तक आता है। वही अगर हमारे देश में पैकेट पानी की एक बोतल का दाम देखे तो 20 रुपए लीटर मिलती है। तो इस तरह से क्रूड ऑयल की कीमत पानी से भी कम हो चुकी है। तो ऐसे में बताया जा रहा है कि पेट्रोल की कीमत में और भी गिरावट देखने को मिलेगी। चलिए तो आज की अगली खबर है, 100 रुपए में खरीदिए सैनिटाइजर और 10 रुपए में मास्क, सरकार ने तय की कीमत। जी हां दोस्तों, वर्तमान के समय की बात करें तो देश भर में सैनिटाइजर और मास्क की डिमांड बढ़ चुकी है और इसकी वजह से इनकी कीमतों में भी इजाफा देखने को मिला है। हालांकि सरकार इनकी कीमतों को तय करने का फैसला कर रही है। उपभोक्ता मामले के मंत्री रामविलास पासवान जी ने बताया कि केंद्र सरकार की ओर से 2 और 3 प्लाई वाले सर्जिकल फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजर की कीमत तय की गई है। उन्होंने बताया कि आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत 2 और 3 प्लाई वाले मास्क में इस्तेमाल होने वाले फैब्रिक की कीमत वही रहेगी जो कि 12 फरवरी 2020 को थी। तो ऐसे में सरकार ने बताया कि 3 प्लाई वाले मास्क की कीमत 10 रुपए से ज्यादा नहीं होगी। और इसी के साथ में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हैंड सैनिटाइजर की 200 ml बोतल की खुदरा कीमत 100 रुपए से अधिक नहीं होगी और ये कीमतें 30 जून 2020 तक पूरे देश भर में लागू रहेगी। चलिए तो अगली खबर है, 2 करोड़ लोगों को साबुन बांटेगी लाइफ बॉय, HUL, गोदरेज और पतंजलि ने भी कम किए दाम। जी हां दोस्तों, हिंदुस्तान यूनिलीवर, गोदरेज कंज्यूमर और पतंजलि जैसी FMCG कंपनियों ने देश में चल रही स्थिति को ध्यान में रखते हुए लोगों की मदद के लिए साबुन तथा स्वच्छता के अन्य उत्पादकों की कीमतें घटाने और इनका उत्पादन बढ़ाने की घोषणा कर दी है। कंपनी ने एक बयान में कहा कि हिंदुस्तान यूनिलीवर ने सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए लाइफ बॉय सैनिटाइजर, लाइफ बॉय लिक्विड हैंड वॉश के साथ में डोमेक्स फ्लोर क्लीनर की कीमत 15% तक घटा दी है। कंपनी ने यह भी कहा कि समाज के जरूरतमंद वर्गों को अगले कुछ महीनों में 2 करोड़ लाइफ बॉय साबुन का वितरण किया जाएगा। चलिए तो इसी के साथ में आज की एक और बड़ी खबर है कि उत्तर प्रदेश के 35 लाख मजदूरों को मिलेंगे 1-1 हजार रुपए। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि वर्तमान के समय में दिहाड़ी मजदूरों का रोजगार प्रभावित हो रहा है, लिहाजा सरकार ने 35 लाख मजदूरों के खाते में 1-1 हजार रुपए देने का फैसला किया है। योगी सरकार जल्द ही यह सहायता राशि मजदूरों के बैंक खाते में ट्रांसफर कर देगी जिससे मजदूर अपना भरण पोषण चला सके। चलिए तो अगली खबर है, देश के करोड़ों ग्राहकों के लिए खुशखबरी, POB ने 3 महीने के लिए फ्री की ये सेवा। जी हां दोस्तों, देश में चल रही वर्तमान की स्थिति को देखते हुए सरकार ने डिजिटल लेन देन को अनिवार्य करने का फैसला किया है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए बैंक ऑफ बड़ौदा ने ग्राहकों से डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल लेन देन पर होने वाले सभी शुल्क को 3 महीने के लिए हटा दिया है। चलिए तो अगली खबर है, हिमाचल में 21 व 23 मार्च को बारिश व ओलावृष्टि की चेतावनी। जी हां दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में जहां कुछ दिनों से अच्छी धूप खिल रही है तो वही तापमान में बढ़ोतरी भी देखने को मिल रही है और इसी के साथ में एक बार फिर से प्रदेश में अधिकतर क्षेत्रों में आगामी 24 घंटों के दौरान मध्यम और मैदानी क्षेत्रों में बारिश, ओलावृष्टि व ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने के साथ साथ तेज हवाएं चलने की संभावना बताई गई है। मौसम विभाग का कहना है कि 26 मार्च 2020 तक हिमाचल प्रदेश में मौसम में थोड़ी खराबी देखने को मिलेगी। चलिए तो आज की अगली खबर है, केजरीवाल सरकार की बड़ी घोषणा, 72 लाख को फ्री राशन, बुजुर्गों की पेंशन हुई डबल। जी हां दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वासियों को आराम देने के लिए शनिवार को घोषणाओं की झंडी लगा दी। केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी दी कि अब दिल्ली की जनता जो राशन की दुकानों से राशन लेती है उन्हें 4 किलो की जगह पे 7.5 किलो का राशन मिलेगा और उसके लिए उन्हें एक भी पैसा नहीं चुकाना होगा, यानी कि बिल्कुल ही फ्री। उन्होंने बताया कि इससे करीब 72 लाख लोग यानी कि 18 लाख परिवारों को सीधा फायदा मिलेगा और इसी के साथ में उन्होंने विधवाओं, बुजुर्गों और विकलांगों की पेंशन को भी दोगुना कर दिया है। चलिए तो इसी के साथ में बात करेंगे आज के सोने और चांदी के भाव की। सबसे पहले जानेंगे 22 कैरेट के अनुसार सोने का ताजा भाव, तो 1 ग्राम के अनुसार 4050 रुपए, 8 ग्राम के अनुसार 32400 रुपए, प्रति 10 ग्राम के अनुसार 40500 रुपए, प्रति 100 ग्राम के अनुसार 4,05,000 रुपए 22 कैरेट गोल्ड की कीमत चल रही है। वही बात करें
24 कैरेट के अनुसार सोने की ताजा भाव की तो 1 ग्राम के अनुसार 4,170 रुपए, 8 ग्राम के अनुसार 33,360 रुपए, प्रति 10 ग्राम के अनुसार 41,700 रुपए और 100 ग्राम के अनुसार 4,17,000 रुपए 24 कैरेट गोल्ड की कीमत चल रही है। वहीं दोस्तों बात करें भारत के बड़े शहरों में आज 22 कैरेट और 24 कैरेट के अनुसार सोने के भाव की तो देख सकते हैं चेन्नई, मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता, बेंगलोर, हैदराबाद, केरल, पुणे, बड़ौदा, अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ, कोयम्बटूर, मदुरई, विजयवाड़ा, पटना, नागपुर, चंडीगढ़, सूरत, भुवनेश्वर, मैंगलोर, विशाखापट्टनम, नासिक और मैसूर की प्राइस स्क्रीन पर दी गई है। और इसी के साथ में बात करें चांदी के भाव की तो प्रति किलोग्राम के अनुसार 37,140 रुपए पर चांदी का भाव पहुंच चुका है। चलिए तो इसी के साथ में आज का सामान्य ज्ञान का प्रश्न है कि लाइट के बल्ब को हिंदी में क्या कहते हैं, इसका जवाब नीचे कमेंट करके बताइए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। जो लोग इसका सही जवाब नीचे कमेंट करके बताएंगे, इस वीडियो को लाइक करेंगे और इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया गया उसको भी दबाना है और इसी के पास में बेल का आइकन है उसको भी दबा दीजिएगा। उनके नाम रैंडमली प्रकाशित किए जाएंगे और उन्हें दिया जाएगा गोल्डन इंडिया टीम की तरफ से मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, कंप्यूटर और इसी के साथ में पेटीएम कैश भी। चलिए तो आज की मुख्य खबरों में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।